हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 ईयर के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने थीम चेंज करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको जरूरत रहती है अपने फ़ोन के अंदर अपना थीम चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत आपके कई बार ऐसा होता है आपके फ़ोन के अंदर आपको बहुत सारे थीम देखने के लिए नहीं मिलते हैं या आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है थीम चेंज करने का, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपना थीम चेंज कर सकते हैं। गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर थीम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने एप्लीकेशन में या मेनू बार में। जैसे ही आप अपने मेनू बार में आ जाएंगे तो आपको अपने फ़ोन के अंदर टेक्नो फ़ोन के अंदर आपको एक थीम एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, हाई थीम HI थीम का नाम से आपको सबसे ऊपर एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। या नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हैं कहीं। तो सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन ओपन हो जाता है। अगर आपके पास नेट फास्ट होगा तो जल्दी ओपन होगा। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, ये बी क्लिप पे क्लिक है। जैसे ये बी क्लिप है तो हम इसे कर लेंगे थीम पे। यहाँ से आप इसे थीम पे सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इसे थीम पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे थीम देखने के लिए मिल जाते हैं जिन्हें भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। जो भी थीम आपको पसंद हो यहाँ से बहुत सारे थीम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो आपको पसंद हो यहाँ से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे थीम मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं आपको एक थीम सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये वाला थीम सेलेक्ट कर लिया, ये फुल स्क्रीन में है, ये पहला वाला, ये है रैंथम ऑफ लाइफ, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके दो आप फोटो मिल जाते हैं। आपको एप्लीकेशन पे इस प्रकार का होगा और यहाँ लॉक लगा होगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसे हम यहाँ से करना होगा आपको पहले डाउनलोड। तो इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे फ़ोन के अंदर ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद आप इसे यहाँ से कर देंगे अप्लाई। जैसे ये अप्लाई कर देंगे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपके फ़ोन के अंदर ये सेट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारा थीम चेंज हो गया और हमारे एप्लीकेशन जो थी उनका आइकॉन है, साइज है, वो भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारा थीम भी चेंज हो गया। अब बात आती है हमने जो अपना थीम चेंज किया है इन फ्यूचर कभी हमें जरूरत पड़ती है, हमें ये वाला थीम नहीं चाहिए, वापस से अपना वही थीम चाहिए जो हमें फ़ोन के साथ आया था, वो कैसे करें। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वो थीम भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको फिर से वहीं जाना है अपने हाई थीम में। जैसे कि अपने हम पहले गए थे अपने हाई थीम, हम हाई थीम के अंदर चले जाते हैं। जैसे अपने हाई थीम में जाते हैं इसमें आप सबसे नीचे कर देंगे स्वाइप डाउन कर लेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं ऊपर आपको यहाँ चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रैंकिंग, कैटेगरी, डाई, ये लोकल। सबसे पहले हम ये लोकल पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप लोकल पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आपको सबसे ऊपर देखने लगा इंटरनल थीम, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड थीम। तो मैंने अपने फ़ोन के अंदर दो थीम यूज करें, एक तो अभी जो मैंने पहले अभी कर रखा है, एक डाउनलोड में आप देख सकते हैं उससे पहले कर रखा है मैंने चेंज स्काई भी आसमान वाला करा था मैंने। आप जितने भी थीम डाउनलोड करेंगे वो आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलते चले जाएंगे। अगर आप वही थीम चाहते हैं जो आपके फ़ोन के साथ आता है तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं इंटरनल पे, अप्लाई कर देंगे इसे। जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देंगे आपके फ़ोन के अंदर वही थीम वापस आ जाता है जो अपने फ़ोन के साथ आता है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।